अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। लास्ट लेक्चर जो हमारा अमेज़ॉन कोर्स से रिलेटेड था, 9th लेक्चर था, उसमें हमने सोर्सिंग के बारे में देखा और देखा कि कैसे हम एक अच्छी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे एक मैसेज आ रहा था कि आप हमें प्रैक्टिकली एक बार दिखा दें कि हम जब सोर्सिंग करने लगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और किन किन चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए सोर्सिंग स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है और इसको लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको वो तरीके पता चलेंगे जिससे आप अपने सोर्सिंग सप्लायर को फाइनलाइज़ कर सकते हैं और अपने सप्लायर से कैसे निगोशिएट कर सकते हैं, प्राइसेस कैसे कम ले सकते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल आपको लाजमी रखना है अपनी सोर्सिंग के दौरान। और जब आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मैं आ चुकी हूँ अलीबाबा के डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया जस्ट पोस्ट गार्लिक, ओके। ये मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ गए। अब सबसे पहले क्या करना, मैंने क्या सबसे पहले सबको कांटेक्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा है, किस किस को मैं कांटेक्ट करूँगी और मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छे सप्लायर्स कौन से हैं जो मुझे पहले ही मद्देनज़र रख के सोर्सिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो ये बात है कि आपने बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि जी इसकी $2 प्राइस लिखी हुई और इसने 0.75 लिखी हुई है तो मैं इसकी तरफ जाती हूँ, या फिर अगर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट एक जैसी है, इसने 13 रखी और इसने $2 रखी है तो ये तो ज़ाहिर बात है सस्ता है, मैं इसकी तरफ जाऊँगी। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना उनको सबसे पहले हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये प्रोडक्ट से आपने जाना है सप्लायर्स पे कि हमारे पास सिर्फ वो आए जो सप्लायर्स हों जो कि हमें सप्लाई कर सकें। ये ना हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो नहीं चाहिए जो कि सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और उनका जो सब चीज़ होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, वो होल सेल में डील कर रहे थे। फिर हमने सबसे पहले इस ट्रेड एश्योरेंस को क्लिक करना है। ट्रेड एश्योरेंस जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है। ट्रेड एश्योरेंस ये होती है कि अलीबाबा आपके और आपके सप्लायर के दरमियान थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके और आपके सप्लायर के दरमियान कोई भी बातचीत होती है, लाइक आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, सब कुछ किया है, अलीबाबा उस पे थर्ड पार्टी का रोल प्ले करके उस पर एक जिस तरह एक थर्ड पार्टी का बना होता है। और अगर खुदा न खास्ता कल को आपका सप्लायर आपको सही चीज़ नहीं देता या आपको चीज़ ही नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, उसका आपको मैसेजेस आना रुक जाते हैं, तो अलीबाबा पे आप केस रेज करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं, चार्ज बैक क्लेम कर सकते हैं। तो अलीबाबा देखेगा कि अच्छा जी उनके और इसके दरमियान ये डील तय हुई थी, ये चीज़ें तय हुई थी। अब यहाँ पर ये मसला आ रहा है कि जिसकी गलती है वो ज़रूर पे करेगा वापस। दूसरी बात ये होती है कि वेरीफाइड सप्लाई होना लाजमी है। वेरीफाइड सप्लाई का मतलब होता है कि अलीबाबा ने उनको वेरीफाई किया हुआ है, पीछे वो सप्लायर का कोई उन्होंने अपना दिखाई हुई है, कोई पूरी फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, वो जो उन दिखाई हुई है उन्होंने अलीबाबा पे वेरीफाइड करवाई हुई है, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि वो वेरीफाइड सप्लायर हैं और अलीबाबा ने उनकी वेरिफिकेशन की हुई है। ज़ाहिर बात है आप जब भी किसी भी जगह अपना कोई भी स्टोर खोलने जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो लोग कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन करते हैं। अगर तो आप वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपके आगे ये वेरीफाई नहीं आएगा। अगर ये वाला जो बंदा है इसने अपनी कोई इंडस्ट्री, कोई अपनी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन अलीबाबा को नहीं दिखाया तो अलीबाबा इसके आगे ये वेरीफाइड नहीं लिखेगा। अच्छा, ये तो हो गई ये दो चीज़ें, ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लाई। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है, अब देखिए आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो पहले से थोड़े कम हो गए हैं, डेफिनेटली कम हो गए हैं। अब मैं देखूँगी इनमें से, चलें जी अब ये देखते हैं। अब मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है, और अब मैंने क्या करना है कि एक एक करके इसको देखना है। अब इसको अगर मैं देखूँ, सबसे पहली बात होती है जेम्स होते हैं ना, ये लाजमी 3 जेम्स लाजमी होने चाहिए। जिस तरह हमारे पास इसका मतलब यही होता है कि इसकी सर्विसेज गुड है, लोग इससे सेटिस्फाइड हैं, लोग इससे अनसेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हम लोग इस पर जाते थे कि 3 जेम्स तो कम से कम होने चाहिए। देखें इन सबके पास तकरीबन 3 जेम्स हैं, लेकिन इसके पास 2 जेम्स हैं, हम इसके पास नहीं जाएंगे क्योंकि 3 जेम्स लेना ज़रूरी होता है। उसकी अगली चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि इसका रिस्पॉन्स रेट कितना है। अब यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स रेट मेंशन नहीं किया तो मैं कैसे देख सकती हूँ। शायद हमने इसको लिखा है, हम इसको एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं, वरना जब अलीबाबा का दूसरा पोर्टल होता था ना, जो पहला थोड़ा सा इन्होंने अपग्रेडेशन किया, उसके ऊपर शुरू में लिखा होता था कि इतने % रिस्पॉन्स रेट है। ओके जी, अच्छा जी, यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स रेट आ गया <12 hours विच इज़ गुड। लेकिन जितना कम आपको रिस्पॉन्स रेट होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, मतलब वो जितना ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स कर सकता है हमारे लिए उतना अच्छा होगा। अब ये है कि आपने डिफरेंट सप्लायर्स को इसी तरह खोल के देख लेना है, जिसका रिस्पॉन्स रेट सबसे ज़्यादा कम होगा आपने उसको प्रेफरेंस देनी है, आपने उसी को प्रेफर करना है, ठीक है। जो चौथी थिंग हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोगों ने इनके रिव्यूज़ देख लेने हैं। रिव्यूज़ देखने से बहुत फ़र्क पता चल जाता है हमें, एक पता चल जाता है कि लोगों ने इसके बारे में कैसे रिव्यूज़ दिए हैं, कैसे इसकी रेटिंग जा रही है। इस सप्लायर पे हमारे पास 2 ही रिव्यूज़ थे और उसको हम देख लेते हैं। 5 स्टार्स हैं दोनों, रियली नाइस, टॉप क्वालिटी, गुड क्वालिटी, वैसे रिव्यूज़ तो काफ़ी हैं और सब ने ही अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, तो हम इस पे जा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कंपेयर में डाल दिया, ठीक है। इसको मुझे ये भी अच्छा लगा, मैंने इसको भी कंपेयर में डाल दिया। मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसको भी कंपेयर में डाल दिया। मैंने इसको भी कंपेयर में डाल दिया। मैंने कम से कम भी 10, मैं तो अब रैंडम नहीं कर रही हूँ ना, बगैर देखे बगैर जाने। आप लोगों ने हर एक को देख के कि इसका कितना है अलीबाबा पे। और एक और थिंग जो मैं आपको बताना भूलूँगी वो ये है कि इनको यहाँ पे लिखा होता 3 years, इसका मतलब होता है कि ये अलीबाबा पे 3 साल से हैं। इसका मतलब है कि ये अलीबाबा पे 7 साल से हैं। इसका मतलब है ये अलीबाबा 5 साल से, तो 3 और मिनिमम भी हम 2 years ले लेते हैं, लेकिन 1 year वाले पे हम नहीं जाते कि जो अभी 1 साल हुआ जिसको अलीबाबा पे आए हुए। तो हम लोग मेजोरिटी टाइम हम ये करते थे कि 3 years तक हम टाइम लेते थे कि जो अलीबाबा पे 3 साल से हो, ताकि उसने कुछ ना कुछ चीज़ें सेल करनी हो, हमें एक अच्छा डाटा आ जाए कि उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हमें पता चल जाए कि कितने के रिव्यूज़ हैं क्या। अगर लोगों ने नेगेटिव दिए तो कितने % नेगेटिव है, लाइक दैट। ओके, हमने इसको डाला। अब हमने 10 को कंपेयर कर लिया। मैं ज़रा देख लूँगी इसको कंपेयर में जाके। ओके, ये सारे आ गए मेरे पास कंपेयर में, ये इससे आगे भी आए। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं इन सब को एक दफ़ा कंपेयर कर सकूँगी कि इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसकी। ओके, ये इतने प्राइस में दे रही है, इतने, मतलब हर चीज़ को मैं कंपेयर करके सब कुछ है, ये इसके पास भी वही सब कुछ है। अगर फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर पता कि इसके पास ट्रेड इंश्योरेंस नहीं, तो मैं इधर से इसको अनचेक कर दूँगी और ये निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि हर सप्लायर को हम कैसे, और अगर मैंने इधर से कांटेक्ट मैंने करना होगा, मुझे ये सारे पसंद आ गए। चलिए फ़र्ज़ करें मैंने इनमें से 5 को सिलेक्ट कर लिया, 5 को मैंने निकाल दिया। अब कांटेक्ट सप्लायर में मैं जाऊँगी, कोई इशू आ रहा है, वरना यहाँ पे ऐसा हो जाता होता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जब कांटेक्ट सप्लायर में जाते हैं तो आप एक मैसेज लिखते हैं और वो सबको सेंड हो जाता है। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको बार बार हर किसी को अलग अलग नहीं करना पड़ता। अब ये देखिए, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये वाला जो था ये तो सिर्फ 1 साल से था, ये 3, ये 5, ये 4 और आगे भी मेरे पास ये 4, 1, ये जो 1 वाले मैंने इसको फिर निकाल दिया कि ये मेरी लिस्ट से निकल गया, इसको मैं कॉन्टेक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। इस तरह आपको बहुत चीज़ें कंपेयर करने में फ़ायदा होता है। और आपको नेक्स्ट थिंग मैं बताती चलूँ वो ये, इस तरह आपने एक सप्लायर्स तो फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। अब आपकी बारी आती है कि उनसे बात करने की। आपने उनसे बात करनी है, उनसे देखना है कि वो क्या आपको दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपने उन्हें कॉन्टेक्ट करना है, आपने ये नहीं करना कि मैं अपने लिए, वो ज़ाहिर बात है सोचिएगा कि आप एक छोटे लेवल के सेलर हैं और आपने कोई छोटे अमाउंट में ऑर्डर करना है, तो वो आपको हमेशा ज़्यादा प्राइस बताएगा। आपने हमेशा ये कहना है कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ और मैं आपसे ये चीज़ें ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। जब आप ये बात करेंगे तो अगले पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि ये एक कंपनी का मैनेजर है। इसका मतलब ये कि इसकी जिस क्वांटिटी में हमसे ऑर्डर करेगा वो भी ज़्यादा ही होगा। तो ये है कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंगली अच्छी प्राइस देता है। सबसे पहले तो आपने ये नहीं करना कि आपने उसको कह दिया कि जी मैं 1000 यूनिट्स ऑर्डर करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इसका बता दें। नो, नेवर एवर। सबसे पहले तो आपने उसको उसका MOQ पूछना है कि आपका MOQ क्या है और आपकी प्राइस क्या है। वो आपको बताएगा कि मेरा 200 MOQ है, ये था 100 MOQ है, इस तरह वो आपको बताएगा। आज अच्छा आपने उसकी प्राइस लेनी है, फिर आपने उस पर से निगोशिएट करना और उसे कहना कि मुझे थोड़ी कम प्राइस दे, मैं आपसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करना चाहूँगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको 200 से 300, 500, 700 और फिर आपने 1000 पर लेके आना है। बाद सप्लायर तो ऐसे होते हैं जो आपको खुद ब खुद ही बता देते हैं कि अगर आप 100 ऑर्डर करेंगे तो इतनी प्राइस होगी, 200 तो उसमें हम इतना कुछ नहीं कर सकते। वो वैसे भी उन्होंने अपने सही अंदाजे बताए होते हैं। तो इस तरह आप निगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज़ करके। बाकी मैं हम स्लाइड्स पर आ देते हैं और देख लेते कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। ये मैंने आपको बता दिया कि कंपेयर कर लेनी है आपने। ये स्लाइड तो कंप्लीट हो गई है। ओके, उन्होंने ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि कभी भी आपने बहुत ज़्यादा कोटेशन की रिक्वेस्ट नहीं करनी, हमेशा 200 से स्टार्ट करना है, उनसे डिस्काउंट मांगना है, उनसे कहना है कि मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप करना चाहती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो EXW प्राइस और FOB प्राइस। सबसे पहले तो आप लोगों को खुद इस बात को समझना है कि EXW प्राइस लेना चाहते हैं आप या आप FOB प्राइस लेना चाहते हैं। तो ये FOB और EXW प्राइस में फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क ये होता है कि EXW प्राइस ये होती है कि आपने सप्लायर से कहा कि आपकी प्रोडक्ट तैयार करें और अपने पास रख लें, आप अपना फॉरवर्डर खुद भेजेंगे, खुद वो आपके उसके वेयर हाउस से आपके प्रोडक्ट्स उठाएगा और उसे शिप कर देगा। ये होता है EXW प्राइस के। आपने सप्लायर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट बनाए और अपने ही वेयर हाउस में रख लें। FOB प्राइस ये होती है कि आपका सप्लायर प्रोडक्ट बनाता है और उसे नियरेस्ट पोर्ट पर डिलीवर कर देता है, मतलब चाइना में जो उसका नियरेस्ट पोर्ट होता है वहाँ पे वो भेज देता है। उससे आगे आपका जो फॉरवर्डर होता है वो वहाँ से वो प्रोडक्ट उठाता है और उसको भेज देता है। ये हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास होती है DDP प्राइस है। DDP प्राइस ये होती है कि आप अपने सप्लायर से कहते हो कि मुझे आपने प्रोडक्ट बना के और Amazon वेयर हाउस तक शिप करने के चार्जेस बताने हैं, सारे के सारे चार्जेस आप बताएंगे। DDP प्राइस ये होती है। तो पहले तो आपको खुद क्लियर करना है, या फिर तो ऐसा हो कि आप लोगों के पास एक अच्छा फॉरवर्डर हो जो आपको सस्ते में दे रहा हो, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने सप्लायर से कह सकते हैं कि आप मुझे सिर्फ EXW प्राइस दें। लेकिन अगर आप शुरू में हैं और अभी आप किसी फॉरवर्डर को नहीं जानते और आपको नहीं पता कि आप किस फॉरवर्डर को कांटेक्ट करें, तो आप DDP प्राइस ले सकते हैं उससे। ओके, अब ये हो गया कि आपने सप्लायर फाइनलाइज़ कर लिया, आपने 2-3 सप्लायर को एंड पे फाइनलाइज़ कर लिया जो आपको जिनके रेट्स भी अच्छे लगे, रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा लगा। नेक्स्ट थिंग जो है वो आपके लिए ये है कि अब आपने उनसे पूछना है कि आप काइंडली मुझे एक सैम्पल ऑर्डर करने दें। इस तरह उनका ट्रस्ट भी ज़्यादा बिल्ड होता है आप पे कि ओके ये बंदा सीरियस है। सैम्पल फीस आपको कुछ सप्लायर्स तो फ्री में सैम्पल देते हैं लेकिन आपको शिपिंग उस पर पे करनी पड़ती है। कुछ सप्लायर्स ये भी कह देते हैं कि आप हमसे सैम्पल परचेज़ करें, जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे हम आपका उसमें कंपनसेट कर देंगे। तो आपने जो भी है सैम्पल ऑर्डर करना और साथ ही साथ आपने अपने कंपेटिटर का एक प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर लेना है। आपने उससे अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट मंगवाई और साथ में आपने सैम्पल मंगवा दिया। अब आपके पास जब सैम्पल भी आ गया, कंपेटिटर की प्रोडक्ट भी आ गई, तो अब आपने इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस ऐसा तो नहीं है, क्या आपकी जो प्रोडक्ट आपने सैम्पल ऑर्डर किया वो कंपेटिटर से बेटर है, तो आप उसके लिए जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये उससे थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे। आप इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि 3 सैम्पल्स इकट्ठे ऑर्डर किए ताकि आपका टाइम बचे। 3 सैम्पल्स इकट्ठे आएंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से ये और इसमें से ये ज़्यादा बेटर है। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने पेमेंट टर्म्स कैसे डिसाइड करनी है सप्लायर्स के साथ। आपने सप्लायर फाइनल कर लिया, आपने उसको ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं, लेकिन क्या आप उसको 100% पेमेंट दे देंगे या कितने % पेमेंट देंगे, उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।